सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस तो यहाँ पे न्यू थॉमसन का स्किन आने वाला है जिसका रेट ऑफ फायर प्लस है, रेंज माइनस है और एक्यूरेंसी प्लस है। अब गाइस ये जितने यहाँ पे सिंपल दिख रहा है उतना ये स्किन है नहीं, क्योंकि जब मैं इसको गेम में ले जाकर भाई इससे गेम प्ले करेंगे तब हमें पता चलेगा भाई आखिर ये क्या चीज़ है। तो उससे पहले वीडियो को आपको लाइक कर देना है एंड आपके 1 लाख से हमें 1 मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड एटलीस्ट 1 फ्रेंड के साथ आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो गाइस सबसे पहले चलो इसको लेकर चलते हैं गेम में और फिर देखते हैं भाई ये क्या कर सकता है और इसमें कितना पावर है, जो हमारा पोकर MP40 है उसको ये कितना ज़्यादा टक्कर दे सकता है। और ऐसे आप यहाँ पर गेम प्ले देखने के बाद आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हो कि आपको यहाँ पर कितना अच्छा लगा ये स्किन या फिर अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा और अच्छा लगा तो फिर क्यों अच्छा लगा, यानी A to Z चीज आप बता सकते हो। चलो गाइस डायरेक्ट यहां पे वीडियो के अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं ये स्किन कितना कमाल का होने वाला है। तो चलो इसकी एबिलिटी एक बार और मैं आपको बता देता हूं, रेट ऑफ फायर प्लस है, रेंज माइनस है, एक्यूरेंसी प्लस है और चलो देखते हैं इस स्किन से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पर हम आते हैं गेम प्ले में। अभी जो यहाँ पे हमारा फिलहाल का सिचुएशन है ये है कि 2 टाइम हमने यहाँ पे विक्ट्री किया है और सामने वाले टीम ने भाई 1 टाइम। अब उसी के साथ साथ भाई सामने वाले टीम तो भाई एकदम से भाई अपने पास अटैक करने के लिए एकदम रेडी होंगे, बट अपने को मौका नहीं देना है। सो गाइस तो अपने पास है यहाँ पे थॉमसन एंड उसी के साथ साथ इसके साथ साथ न्यू स्किन, तो गाइस अपने को यूज़ सिर्फ यही कर सकते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ इसी स्किन को यूज कर सकते थे बिकॉज अपने को सिर्फ इस गन को टेस्ट करना था। तो गाइस यहाँ पे सामने अपने को 2 बंदा दिखता है जहाँ पे एक को भाई 137 का तगड़ा हेड पड़ता है एंड सो गाइस यहाँ पे दूसरे बंदे को यहाँ पे 25-25 के बॉडी डैमेज पड़े, तो भाई 137 के हेड पड़े और 25 के बॉडी डैमेज पड़े, तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब उसी के साथ साथ भाई अगर बंदे वेस्ट और हेलमेट लगाते तो शायद यहाँ पे नीचा, यानी कि अगर जितना अच्छा हेलमेट लगाते हैं यानी जितना अच्छा बोला जाता है जितना ज़्यादा लेवल का, तो भाई उसी हिसाब से हमारे डैमेज कम पड़ते और जितना ज़्यादा लेवल का वेस्ट लगते भाई उतना ही यहाँ पे कम डैमेज हमें देखने को मिलते। बट बंदे के पास यहाँ पे वेस्ट या हेलमेट था या फिर नहीं था ये तो हमें नहीं पता चला। ठीक है, उसी के साथ साथ भाई अपने को अभी और टेस्ट करना था कि आखिर ये स्किन क्या है। तो भाई सामने एक और बंदे थे और इसको 132 का हेड पड़ा, मतलब अप्रॉक्स उतने का हेड पड़ा, यहाँ पे 137 के हेड पड़े। तो यहाँ एक चीज़ हम पिकअप करने का ट्राई कर रहे थे कि भाई हेड कितने का आ रहा है और उसी के साथ कितना स्पीड आ रहा है बिकॉज इसका रेट ऑफ फायर प्लस है। सो गाइस तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक बंदे एंड जिसने भाई ने डायमंड्स दिया तो भाई इसको 75 के हेड पड़े और भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीन ये होता है कि सामने वाले भाई ने ग्लोवल लगाया है और जो यहाँ पे हमारा एनिमी भाई काफ़ी समझदार टाइप का मुझे दिख रहा है, उसी के साथ साथ भाई वो भाई उस साइड था बट यार बड़ी डैमेज पड़ा और फाइनली यहाँ पे हमने विक्ट्री ले लिया। अब यहाँ पे टोटल मैच यहाँ पे 2-2 का चल रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे भाई क्या ही हेड पड़े भाई साहब, तो यहाँ पे तगड़े हेड पड़ते एंड भाई देख सकते हो तो 137 के तीनों बंदे के पड़े एंड शायद उनके पास हेलमेट था या फिर नहीं था आई डोंट नो, बट यार 137 के पड़े थे। एक बंदा काफ़ी दूर था बट उसको 110 के हेड पड़े। अब मैंने यहाँ पे भाई ट्राई किया कि भाई और अच्छे से ट्राई किया जाए तो यहाँ पे किसी को कम किसी को ज़्यादा भाई इसको 104 के हेड पड़े, बट यार हेड अच्छा पड़ रहा था। उसी के साथ साथ भाई यहाँ पे भी देख सकते हो हेड। अब मैंने और टेस्टिंग के लिए ट्राई किया यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो ट्रेनिंग ग्राउंड में अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई क्या ही हेड पड़े। तो यहाँ पे आप बता सकते हो भाई अगर आप हेड मारोगे तो अच्छा खासा डैमेज जाता है जहाँ तक मैंने यूज किया है। बाकी यहाँ पे स्किन आने पे आपको पता चल जाएगा, जल्द स्किन आने वाला है। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तब तक ले गुड बाय।